प्रश्नावली 4H, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 30। निम्न प्रश्नों में 5 संख्याएं दी गई हैं, 5 में से कोई 4 किसी प्रकार समान हैं, अतः उनका एक समूह बनता है, वो एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। प्रश्न 1, ए 217, बी 153, सी 240, डी 156, ई 131। उत्तर ई 131। ये प्रश्न बैंक पीओ 2009 का है। व्याख्या, 131 को छोड़कर अन्य सभी भाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न 2, ए 143, बी 168, सी 224, डी 195, ई 257। उत्तर ई 257। ये प्रश्न बैंक क्लर्क 2011 का है। व्याख्या, 257 को छोड़कर अन्य सभी भाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न 3, ए 83, बी 53, सी 37, डी 39, ई 29। ये प्रश्न बैंक पीओ 2009 का है। उत्तर डी 39। व्याख्या, 39 को छोड़कर अन्य सभी अभाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न 4, ए 13, बी 43, सी 63, डी 23, ई 53। उत्तर ई 53। ये प्रश्न बैंक क्लर्क 2010 का है। व्याख्या, 53 को छोड़कर अन्य सभी अभाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न 5, ए 13, बी 17, सी 19, डी 27, ई 29। उत्तर डी 27। व्याख्या, 27 को छोड़कर अन्य सभी अभाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न 6, ए 18, बी 24, सी 36, डी 34, ई 26। उत्तर सी 36। ये प्रश्न बैंक पीओ 2008 का है। व्याख्या, 36 को छोड़कर अन्य सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। प्रश्न 7, ए 144, बी 169, सी 256, डी 288, ई 324। ये प्रश्न बैंक क्लर्क 2011 का है। उत्तर डी 288। व्याख्या, 288 को छोड़कर अन्य सभी पूर्ण वर्ग संख्या हैं। प्रश्न 8, ए 49, बी 56, सी 42, डी 35, ई 63। उत्तर ए 49। व्याख्या, 49 को छोड़कर अन्य सभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। प्रश्न 9, ए 25, बी 64, सी 189, डी 225, ई 121। उत्तर सी 189। ये प्रश्न बैंक पीओ 2008 का है। व्याख्या, 189 को छोड़कर अन्य सभी पूर्ण वर्ग संख्या हैं। प्रश्न 10, ए 169, बी 225, सी 289, डी 441, ई 255। उत्तर ई 255। ये प्रश्न बैंक पीओ 2008 का है। व्याख्या, 255 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। प्रश्न 11, ए 49, बी 14, सी 21, डी 35, ई 42। ये प्रश्न बैंक पीओ 2008 का है। उत्तर ए 49। व्याख्या, 49 को छोड़कर अन्य सभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। प्रश्न 12, ए 125, बी 729, सी 216, डी 512, ई 648। उत्तर ई 648। व्याख्या, 648 को छोड़कर अन्य सभी पूर्ण घन संख्या हैं। प्रश्न 13, ए 125, बी 216, सी 729, डी 525, ई 343। उत्तर डी 525। ये प्रश्न बैंक पीओ 2011 का है। व्याख्या, 525 को छोड़कर अन्य सभी पूर्ण घन संख्या हैं। प्रश्न 14, ए 27, बी 64, सी 125, डी 216, ई 384। ये प्रश्न बैंक पीओ 2008 का है। उत्तर ई 384। व्याख्या, 384 को छोड़कर अन्य सभी पूर्ण घन संख्या हैं। प्रश्न 15, ए 84, बी 120, सी 72, डी 108, ई 98। उत्तर ई 98। व्याख्या, 98 को छोड़कर अन्य सभी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। प्रश्न 16, ए 28, बी 42, सी 35, डी 21, ई 65। उत्तर ई 65। व्याख्या,
65 को छोड़कर अन्य सभी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ये प्रश्न बैंक पीओ 2009 का है। प्रश्न 17 ए 215 बी 143 सी 247 डी 91 ई 65। ये प्रश्न बैंक पीओ 2009 का है। उत्तर ए 215। व्याख्या 215 को छोड़कर अन्य सभी 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। प्रश्न 18 ए 12 बी 24 सी 42 डी 18 ई 32। ये प्रश्न बैंक क्लर्क 2011 का है। उत्तर ई 32। व्याख्या 32 को छोड़कर अन्य सभी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। प्रश्न 19 ए 28 बी 58 सी 175 डी 112 ई 63। उत्तर बी 58। ये प्रश्न बैंक पीओ 2009 का है। व्याख्या 58 को छोड़कर अन्य सभी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। प्रश्न 20 ए 78 बी 48 सी 72 डी 54 ई 42। उत्तर डी 54। व्याख्या 54 को छोड़कर अन्य सभी के गुणनखंडों की संख्या विषम है, अर्थात 78 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 13, 48 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 72 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 42 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 7। प्रश्न 21 ए 12 बी 28 सी 52 डी 68 ई 96। उत्तर ई 96। ये प्रश्न बैंक पीओ 2009 का है। व्याख्या 96 को छोड़कर अन्य सभी के गुणनखंडों की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती है, जैसे 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, 28 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 7, 52 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 13, 68 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 17, परंतु 96 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अतः उत्तर ई 96। प्रश्न 22 ए 115 बी 145 सी 95 डी 155 ई 75। उत्तर ई 75। ये प्रश्न बैंक पीओ 2010 का है। व्याख्या 75 को छोड़कर अन्य सभी के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक नहीं हो सकती है, जैसे 115 बराबर 5 गुणा 23, 145 बराबर 5 गुणा 29, 95 बराबर 5 गुणा 19, 155 बराबर 5 गुणा 31, परंतु 75 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5। प्रश्न 23 ए 26 बी 34 सी 72 डी 46 ई 38। उत्तर सी 72। ये प्रश्न बैंक पीओ 2009 का है। व्याख्या 72 को छोड़कर अन्य सभी के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक नहीं हो सकती है, जैसे 26 बराबर 2 गुणा 13, 34 बराबर 2 गुणा 17, 46 बराबर 2 गुणा 23, 38 बराबर 2 गुणा 19, परंतु 72 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। प्रश्न 24 ए 30 बी 24 सी 40 डी 35 ई 15। उत्तर बी 24। ये प्रश्न LIC ADO 2008 का है। व्याख्या 24 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं 5 की गुणनखंड हैं, जैसे 30 बराबर 6 गुणा 5, 40 बराबर 8 गुणा 5, 35 बराबर 7 गुणा 5, 15 बराबर 3 गुणा 5। प्रश्न 25 ए 440 बी 170 सी 226 डी 122 ई 290। उत्तर ए 440। ये प्रश्न बैंक क्लर्क 2011 का है। व्याख्या 440 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं किसी संख्या के वर्ग से एक अधिक हैं, जैसे 440 बराबर 21 का स्क्वायर माइनस 1, 226 बराबर 15 स्क्वायर प्लस 1, 290 बराबर 17 स्क्वायर प्लस 1, 170 बराबर 13 स्क्वायर प्लस 1, 122 बराबर 11 स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार 440 भिन्न है, अतः उत्तर है ए 440। प्रश्न 26 ए 26 बी 10 सी 48 डी 170 ई 290। उत्तर सी 48। ये प्रश्न बैंक क्लर्क 2011 का है। व्याख्या
48 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं किसी संख्या के वर्ग से एक अधिक हैं, जैसे 26 बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 1, 10 बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 1, 170 बराबर 13 का स्क्वायर प्लस 1, 290 बराबर 17 स्क्वायर प्लस 1, परंतु 48 बराबर 7 का स्क्वायर माइनस 1, अतः ये भिन्न है। उत्तर सी। पृष्ठ 117। पुस्तक में इस पृष्ठ पर प्रश्नावली 4H के उत्तरों की व्याख्या को दर्शाया गया है, जिन्हें पहले ही प्रश्नों के साथ रिकॉर्ड कर लिया गया है। पृष्ठ 118। प्रश्नावली 4I। निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से 30। निम्न प्रश्नों में चार संख्या युग्म दिए गए हैं, चार में से कोई तीन किसी प्रकार समान हैं, अतः उनका एक समूह बनता है, वो एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। प्रश्न 1। ए 20-36, बी 30-36, सी 50-56, डी 60-66। ये प्रश्न SSC 2010 का है। उत्तर ए 20-66। व्याख्या, सभी समूहों में संख्याओं में प्लस 6 का अंतर है, जबकि समूह ए में प्लस 16 अंकों का अंतर है। प्रश्न 2। ए 48-6, बी 21-7, सी 24-3, डी 56-7। ये प्रश्न SSC 2010 का है। उत्तर बी 21-7। व्याख्या, सभी समूहों में संख्या 2 पहली संख्या को 8 से भाग देने पर प्राप्त होती है, सिवाय समूह बी के। समूह बी में पहली संख्या 21 तथा दूसरी संख्या 7 है, अतः दूसरी संख्या पहली संख्या में 3 का भाग देने पर प्राप्त होती है, अतः ये भिन्न है। उत्तर बी। प्रश्न 3। ए 18-22, बी 11-13, सी 12-14, डी 17-19। ये प्रश्न SSC 2010 का है। उत्तर ए 18-22। व्याख्या, समूह ए को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं में प्लस 2 का अंतर है, केवल समूह ए में प्लस 4 का अंतर है, अतः उत्तर है ए 18-22। प्रश्न 4। ए 13-40, बी 14-42, सी 15-46, डी 16-49। उत्तर बी 14-42। ये प्रश्न SSC 2010 का है। व्याख्या, सभी समूहों में दूसरी संख्या पहली संख्या में 3 का गुणा करके प्लस 1 करने पर प्राप्त होती है, जबकि समूह बी में केवल 3 से गुणा करने पर पहली में हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है, अतः समूह बी भिन्न है। उत्तर बी 14-42। प्रश्न 5। ए 25-36, बी 144-169, सी 100-121, डी 9-64। ये प्रश्न SSC 2010 का है। व्याख्या, 25 बराबर 5 का स्क्वायर, 36 बराबर 6 का स्क्वायर। पूर्ण वर्ग संख्याओं में प्लस 1 का फर्क है। दूसरा समूह है 144-169। 144 12 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है। तीसरा समूह है 100-121। 100 10 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, परंतु डी है 9-64, जिसमें 9 3 का स्क्वायर है और 64 8 का स्क्वायर है, इनमें प्लस 5 का फर्क है, अतः समूह डी भिन्न है। उत्तर डी 9-64। प्रश्न 6। ए 37-74, बी 52-26, सी 47-84, डी 88-44। उत्तर सी 47-84। व्याख्या, 37 गुणा 2 74, 52 भाग 2 26, 47 गुणा 2 माइनस 10 बराबर 84, 88 भाग 2 44। स्पष्ट है सभी समूह एक समान हैं, जहां दूसरी संख्या पहली को 2 से भाग या गुणा करने पर प्राप्त होती है, केवल समूह सी भिन्न है, अतः उत्तर है सी 47-84। प्रश्न 7। ए 123-273, बी 280-430, सी 48-198, डी 53-193। ये प्रश्न SSC 2007 का है। उत्तर डी 53-193। व्याख्या,
123 प्लस 150 273, 280 प्लस 150 430, 48 प्लस 150 158, परंतु 53 प्लस 140 193। स्पष्ट है समूह डी भिन्न है। उत्तर है डी 53 193। प्रश्न 8। ए 1664, बी 1768, सी 2100, डी 2184। ये प्रश्न एसएससी 2007 का है। उत्तर सी 2100। व्याख्या 16 गुणा 4 64, 17 गुणा 4 68, 20 गुणा 5 100, 21 गुणा 4 84। स्पष्ट है सभी समूहों में 4 से गुणा करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है सिवाय समूह सी के। यहाँ 5 से गुणा करने पर पहली में दूसरी संख्या प्राप्त होती है, अतः समूह सी भिन्न है। उत्तर सी 2100। प्रश्न 9। ए 2142, बी 2448, सी 3774, डी 3528। ये प्रश्न एसएससी 2005 का है। उत्तर डी 3528। व्याख्या 21 गुणा 2 42, 24 गुणा 2 48, 37 गुणा 2 74, परंतु 35 माइनस 7 बराबर 28। अतः स्पष्ट है समूह डी भिन्न है। 35 28 उत्तर डी। प्रश्न 10। ए 5268, बी 6377, सी 6480, डी 5066। उत्तर बी 6377। ये प्रश्न एसएससी 2005 का है। व्याख्या 52 प्लस 16 68, 63 प्लस 14 77, 64 प्लस 16 80, 50 प्लस 16 66। स्पष्ट है सभी समूहों में दूसरी संख्या पहली में प्लस 16 करने पर प्राप्त होती है सिवाय समूह बी के। यहाँ दूसरी संख्या पहली में प्लस 14 करने पर प्राप्त हो रही है, अतः समूह बी भिन्न है। उत्तर बी 6377। प्रश्न 11। ए 117 39, बी 164 41, सी 198 66, डी 213 71। उत्तर बी 164 41। ये प्रश्न एसएससी 2003 का है। व्याख्या 117 भाग 3 39, 164 भाग 4 41, 198 भाग 3 66, 213 भाग 3 71। स्पष्ट है समूह बी भिन्न है। यहाँ दूसरी संख्या पहली में 4 से भाग देने पर प्राप्त हो रही है जबकि अन्य समूहों में दूसरी संख्या पहली में 3 का भाग देने पर प्राप्त होती है, अतः उत्तर है बी 164 41। प्रश्न 12। ए 40 5, बी 60 12, सी 32 4, डी 88 11। ये प्रश्न एसएससी 2003 का है। उत्तर बी 60 12। व्याख्या 40 भाग 8 5, 60 भाग 5 12, 32 भाग 8 4, 88 भाग 8 11। स्पष्ट है सभी समूहों में दूसरी संख्या पहली संख्या में 8 से भाग देने पर प्राप्त होती है सिवाय समूह बी के। यहाँ दूसरी संख्या पहली संख्या में 5 से भाग देने पर प्राप्त हो रही है, अतः समूह बी भिन्न है। उत्तर बी 60 12। प्रश्न 13। ए 12 96, बी 13 117, सी 15 120, डी 16 128। उत्तर बी 13 117। ये प्रश्न एसएससी 2003 का है। व्याख्या 12 गुणा 8 96, 13 गुणा 9 117, 15 गुणा 8 120, 16 गुणा 8 128। स्पष्ट है सभी समूहों में दूसरी संख्या पहली में 8 का गुणा करने पर प्राप्त हो रही है सिवाय समूह बी के। यहाँ दूसरी संख्या पहली संख्या में 9 का गुणा करके प्राप्त होती है, अतः समूह बी भिन्न है। उत्तर बी 13 117। प्रश्न 14। ए 14 9, बी 17 12, सी 42 30, डी 21 16। ये प्रश्न एसएससी 2002 का है। उत्तर सी 42 30। व्याख्या 14 माइनस 5 9, 17 माइनस 5 12, 42 माइनस 12 30, 21 माइनस 5 16।
स्पष्ट है सभी समूहों में दूसरी संख्या पहली संख्या में 5 माइनस करने पर प्राप्त होती है सिवाय समूह सी के। यहाँ दूसरी संख्या पहली में 12 को माइनस करने पर प्राप्त हो रही है। अतः उत्तर है सी 42-30। प्रश्न 15। ए 52-142, बी 54-126, सी 56-168, डी 58-184। ये प्रश्न एसएससी 2002 का है। उत्तर सी 56-168। व्याख्या 56-168 को छोड़कर अन्य सभी में दूसरी संख्या पहली संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। प्रश्न 16। ए 14-9, बी 17-8, सी 42-3, डी 21-6। ये प्रश्न एसएससी 2002 का है। उत्तर सी 42-3। व्याख्या 42-3 को छोड़कर अन्य सभी में पहली संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। प्रश्न 17। ए 81-243, बी 16-64, सी 64-192, डी 25-75। ये प्रश्न एसएससी 2000 का है। उत्तर बी 16-64। व्याख्या 81×3 243, 16×4 64, 64×3 192, 25×3 75। स्पष्ट है सभी समूहों में दूसरी संख्या पहली में 3 का गुणा करने पर प्राप्त होती है सिवाय समूह बी के। यहाँ पहली संख्या में 4 का गुणा करने पर दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। अतः समूह बी भिन्न है। उत्तर बी 16-64। प्रश्न 18। ए 10-60, बी 30-90, सी 40-240, डी 20-120। ये प्रश्न एसएससी 2008 का है। उत्तर बी 30-90। व्याख्या 10×6 60, 30×3 90, 40×6 240, 20×6 120। स्पष्ट है सभी समूहों में दूसरी संख्या पहली संख्या में 6 का गुणा करने पर प्राप्त हो रही है सिवाय समूह बी के। यहाँ दूसरी संख्या पहली में 3 का गुणा करने पर प्राप्त होती है। अतः समूह बी भिन्न है। उत्तर 30-90। प्रश्न 19। ए 81-9, बी 8-64, सी 54-6, डी 3-27। ये प्रश्न एसएससी 2008 का है। उत्तर बी 8-64। व्याख्या 81/9 9, 8×8 64, 54/9 6, 3×9 27। स्पष्ट है सभी समूहों में दूसरी संख्या पहली में 9 का भाग अथवा गुणा करने पर प्राप्त होती है सिवाय समूह बी के। यहाँ समूह बी में दूसरी संख्या पहली में 8 का गुणा करने पर प्राप्त होती है। अतः समूह बी भिन्न है। उत्तर बी 8-64। प्रश्न 20। ए 24-36, बी 44-56, सी 39-45, डी 66-78। उत्तर सी 39-45। ये प्रश्न एसएससी 2008 का है। व्याख्या 24+12 36, 44+12 56, 39+6 45, 66+12 78। स्पष्ट है सभी समूहों में दूसरी संख्या पहले में 12 को जोड़ने पर प्राप्त होती है सिवाय समूह सी के। समूह सी में दूसरी संख्या पहली में 6 प्लस करने पर प्राप्त हो रही है। अतः समूह सी भिन्न है। उत्तर सी 39-45। प्रश्न 21। ए 25-55, बी 36-44, सी 33-48, डी 19-61। उत्तर डी 19-61। ये प्रश्न एसएससी 2006 का है। व्याख्या 19-61 को छोड़कर अन्य सभी में दोनों संख्याएं भाज्य हैं। प्रश्न 22। ए 12-34, बी 45-67, सी 23-34, डी 56-78। उत्तर सी 23-34। ये प्रश्न एसएससी 2006 का है। व्याख्या 12+22 34, 45+22 67, 23+11 34, 56+22 78। स्पष्ट है सभी समूहों में पहली संख्या में प्लस 22 करने पर दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है सिवाय समूह सी के। यहाँ दूसरी संख्या पहली में 11 को जोड़ने कर प्राप्त होती है।
अतः उत्तर है सी 23-34। प्रश्न 23, ए 26-78, बी 65-104, सी 52-84, डी 26-117। ये प्रश्न एसएससी 2002 का है। उत्तर सी 52-84। व्याख्या, 52-84 को छोड़कर अन्य सभी में दोनों संख्याएं 13 से विभाज्य हैं। प्रश्न 24, ए 153-45, बी 165-80, सी 132-36, डी 124-48। उत्तर सी 132-36। व्याख्या, 153-45 में 15 × 3 = 45, 165-80 में 16 × 5 = 80, 124-48 में 12 × 4 = 48, परंतु 132-36 में 13 × 2 = 26 होते हैं। अतः समूह सी भिन्न है। उत्तर सी 132-36। प्रश्न 25, ए 28-49, बी 14-42, सी 35-63, डी 56-65। उत्तर डी 56-65। ये प्रश्न बीएड 2011 का है। व्याख्या, 56-65 को छोड़कर अन्य सभी में दोनों संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। प्रश्न 26, ए 36-63, बी 47-73, सी 48-85, डी 69-96। ये प्रश्न एसएससी 2001 का है। उत्तर 47-73। व्याख्या, सभी समूहों में पहली संख्या दूसरी की विपरीत है, अर्थात दोनों संख्याओं में एक दूसरे की दहाई तथा इकाई की संख्याओं को बदल दिया गया है। केवल समूह बी भिन्न है, अतः उत्तर है 47-73। प्रश्न 27, ए 24-43, बी 35-54, सी 36-64, डी 21-14। ये प्रश्न पोलिस 2011 का है। उत्तर डी 21-14। व्याख्या, समूह 24-43 में पहली संख्या है 24। 24 में 4 इकाई स्थान पर तथा 2 दहाई स्थान पर है। दहाई के स्थान पर 1 जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का इकाई क्रम प्राप्त होता है 3, और 4 को एज इट इज इकाई पर लिख दिया गया है। इस तरह 24 का प्राप्त होता है 43। इसी प्रकार 35 और 54 में इकाई की संख्या 5 को दहाई की संख्या पर लिख दिया गया है, ऐसा का ऐसा। और पहली संख्या की दहाई संख्या 3 में प्लस 1 जोड़कर उसे दूसरी संख्या के इकाई स्थान पर रख दिया गया है। इस प्रकार 35 का प्राप्त हुआ 54। समूह 36-64 में भी ऐसे ही किया गया है। पहली संख्या की इकाई संख्या को 6 ऐसा का ऐसा लिख दिया गया है, और दहाई संख्या 3 में प्लस 1 जोड़कर उसे दूसरी संख्या के इकाई स्थान पर लिख दिया गया है। इस प्रकार 36 का प्राप्त हुआ 64। समूह डी में संख्याएं हैं 21-14। यहाँ पहली संख्या की इकाई संख्या को दहाई स्थान पर दूसरी के रख दिया गया है एज इट इज, और पहली संख्या के दहाई स्थान पर स्थित 2 में प्लस 2 जोड़कर उसे 4 कर दिया गया है। इस प्रकार ये भिन्न है, अतः उत्तर है डी 21-14। प्रश्न 28, ए 72-43, बी 68-40, सी 85-57, डी 55-27। ये प्रश्न एसएससी 2011 का है। उत्तर ए 72-43। व्याख्या, 72-43 में पहली संख्या में -29 करने पर दूसरी संख्या प्राप्त हुई है, जबकि अन्य सभी समूहों में दूसरी संख्या पहली संख्या में से 28 माइनस करने पर प्राप्त होती है। अतः समूह ए भिन्न है। उत्तर ए 72-43। प्रश्न 29, ए 46-23, बी 34-62, सी 86-44, डी 84-42। उत्तर बी 34-62। व्याख्या, 46/2 = 23, 34/2 - 6 = 62, 88/2 = 44, 84/2 = 42। स्पष्ट है समूह बी भिन्न है। अन्य सभी समूहों में दूसरी संख्या पहली संख्या में 2 का भाग देने पर प्राप्त हो रही है, अतः उत्तर है बी 34/62। प्रश्न 30, ए 42-28, बी 28-14, सी 30-24, डी 49-35। उत्तर सी 30-24। ये प्रश्न बीएड 2011 का है। व्याख्या,
बयालीस माइनस चौदह अट्ठाईस, अट्ठाईस माइनस चौदह चौदह, तीस माइनस छह चौबीस, उनचास माइनस चौदह पैंतीस। स्पष्ट है सभी समूहों में दूसरी संख्या पहली संख्या में माइनस चौदह करने पर प्राप्त होती है, सिवाय समूह सी के। समूह सी में दूसरी संख्या पहली संख्या में से छह घटाने पर प्राप्त हो रही है, अतः समूह सी भिन्न है। उत्तर है सी तीस चौबीस। पृष्ठ 119। पुस्तक में इस पृष्ठ पर प्रश्नावली चार आय के उत्तरों की व्याख्या को दर्शाया गया है, जिन्हें प्रश्नों के साथ पहले ही रिकॉर्ड कर लिया गया है। पृष्ठ 120।